हाय, दिस इज प्रतीक चौधरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली खबरी। थैंक यू। मैं हूँ धनंजय, आपका स्वागत है टेली खबरी में और मेरे साथ है प्रतीक सर। तो कैसा लग रहा है अटेंड करके पूरा पंडाल? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो क्या सब शारका दंगल की पूरी मौजूद है, तो कैसा लग रहा है? मतलब सबसे पहले तो माता की ब्लेसिंग मिल रही है, उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। 9 दिन की फास्टिंग के बाद मैं आज अपनी जो फास्टिंग तोड़ने वाला हूँ, माता के ब्लेसिंग्स के साथ मैं तोड़ने वाला हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ सारे कलीग्स हैं हमारे शो के, दोस्त आ रहे हैं, तो इसी बहाने उनसे भी मिलने का मौका मिल रहा है। सो मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहा हूँ। और साथ ही में हमने देखा अभी ट्रेडिशनल डांस स्पॉट्स के साथ, तो कैसा लगा? ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है, मुझे तो पता भी नहीं था ये कैसे करते हैं। और बट यार सही एक्सपीरियंस था, लाइक ओवरऑल ये सब मुझे लगता है अभी तक का मेरा ये बेस्ट नवरात्रि था, जहाँ मैं प्रॉपरली 9 डेज़ का फास्टिंग रख पाया हूँ, इतना अच्छा इवेंट इन्जॉय कर पाया हूँ और ये एक अलग तरह का डांस एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। और नवरात्रि का लास्ट डे है, तो कितना गरबा फॉलो कर रहे हो आप? नवरात्रि का लास्ट डे और कितना गरबा फॉलो कर रहे हो आप? कितना गरबा खेल पा रहे हो? गरबा तो मैंने बताया ना कि इस साल मुझे मौका ही नहीं मिल पाया कि मैं खेल पाऊँ, क्योंकि आपको तो पता है आप तो सेट पे आते ही हो पूरे टाइम, तो हम लोग सेट पे ही रहते हैं और 12 घंटा शूट करते हैं, मौका मिलता नहीं है। और वहाँ से अगर थोड़ा मौका मिलता है तो मैं जिम चले जाता हूँ, बट अगले साल मैं डेफिनेटली खेलना चाहूँगा। ओके, शो को भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है, तो क्या हमें देखने मिलने वाला है अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें? शो में भी अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या देखने वाले आपके शो में? शो में हर दिन आपको ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलता होगा। जैसे कि आपको अभी पता चला है कि हंसिनी की मौत हो गई है, लेकिन कुछ फ़ोन कॉल्स उसके फ़ोन से किडनैपर को फ़ोन आ रहा है, तो हंसिनी जिंदा है, मरी हुई है, क्या है, कुछ भी बता नहीं सकते। लेकिन जैसे हर एपिसोड में आपको ड्रामा मिलता है, हमारे शो में हमेशा आपको ड्रामा मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, मज़ा है आपसे बात करके।